नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ शिवानी वर्मा। मुंबई के क्राइम ब्रांच में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने अपने सर पर कर्ज उतारने के लिए घर पर ही नकली नोट छापने का काम शुरू कर दिया है। गिरफ्तार शख्स का नाम मोहम्मद फकियान आयुब खान है, जो की मुंबई की चेंबूर इलाके में रहता है। क्राइम ब्रांच के SP नितिन अकुल नूरी ने बताया कि हमें एक जानकारी मिली थी कि एक युवक चेंबूर इलाके में नकली नोट लेकर आने वाला है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की यूनिट 4 के निरीक्षक निवास संवाद और उनकी टीम में MMRD कॉलोनी के पास माहौर गांव के चेंबूर में टैंप लगाकर युवक को हिरासत में ले लिया। उसकी तलाशी के दौरान उसके पास पुलिस को 57,000 रुपए नकली नोट बरामद है। पूछताछ के दौरान पुलिस को उसने बताया कि कुछ नोट उसने अपने घर पर रखे, जिसके बाद एक टीम ने उसके घर पर छापा मारकर वहां से नकली नोट बरामद की। पुलिस को उसके पास से कुल 3,98,550 रुपए नकली नोट बरामद हुए। 8 साल पहले मुंबई आया था और अपने रिश्तेदारों के यहाँ गवर्नमेंट की शॉप पे काम करने लगा। खान को जितनी उम्मीद थी उससे कम पैसे मिलते थे, जिसके बाद उसने अपने दोस्तों से कर्जा लेकर अपनी पत्नी को सोना गिरवी रखकर खुद की गारमेंट फैक्ट्री खोल ली। पर कोरोना काल के चलते खान को इस धंधे में काफी नुकसान हो गया, जिसके चलते उसके सर पर करीब 6 लाख से ज्यादा का कर्ज हो गया। इसके बाद खान ने लोगों से पैसे मांगना शुरू कर दिया, जिसके दबाव में आकर खान ने नकली नोट छापने की सोच ली। जिसके बाद खान ने पहले एक रूम का भाड़ा दिया और फिर यूट्यूब पर इस बात की स्टडी की कि आखिर नकली नोट कैसे बनाए जाते हैं। पूरी पढ़ाई करने के बाद खान ने कंप्यूटर प्रिंटर और अच्छी क्वालिटी के पन्ने खरीदे, जिसके बाद उसने नकली नोट छापना शुरू कर दिया। अकल मुरे ने बताया कि खान से पहले 50 और 100 के कुल 10,000 नोट छापे, जिसे उसने अपने दोस्त को दिया। और जब उसका दोस्त यह पता नहीं लगा पाया कि यह नकली नोट है या असली, तब जाके उसने 30,000 नोट और छापे, उसने बाकी के दोस्तों में दे दिए। इस प्रयोग के बाद उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, जिसके बाद उसने करीब 4 लाख के नकली नोट छाप दिए।